अब तो यार मैंने सारा घर तलाश लिया, कहीं मुझे कुछ नहीं मिला। रुको जरा, ये बेड के नीचे इन्होंने क्या लगा रखा है? बेड को हटाओ तो। ओ भाई, यहाँ पे तो इन्होंने स्कैफ फोल्डिंग लगा रखी है। जरूर इसके नीचे कोई तो राज है। पैसा ही पैसा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स अपने विलेज की तलाशी लेने वाला हूँ। मैं ये ढूंढूंगा कि क्या मेरे जो विलेजर हैं वो कहीं पे अपना कोई सीक्रेट बेस बना रखे हैं या नहीं, उसे ही हम आज फाउंड करेंगे। उससे पहले मेरा एक सवाल है कि अब तक आपने छोटे मेढकों को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मेढक दिखाने वाला हूँ जो कि अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ये सबसे एकदम अलग है। इसका नाम है चलती फिरती मौत। और मैंने ये सुना था कि छोटे मेंढक कीड़े मकौड़े और मक्खियों को खाते हैं, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि ये मेंढक ऐसा है कि ये सीधा इंसान को ही निगल जाता है। देखो, हम जैसे लोगों का तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, कहीं वो इस वीडियो को देखने लगे और देखते समय कहीं उनका दिल उनके हाथ में ना आ जाए, इस बात की मुझे ज्यादा टेंशन है। तो यार मैं तुम लोग को दादा ही देते दादा ही पता। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरे यार, मैं भी तोतला सेठ बन गया। तो यार मैंने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले ये रूम में तलाशता हूँ, क्या पता इस रूम में कुछ मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि ये विलेजर बहुत चालू होते हैं, जो कहीं भी कुछ भी छुपा के रखते हैं, लेकिन ये अपना सीक्रेट राज जल्दी किसी को तो नहीं बताते। लेकिन मैंने यही सोचा है कि मैं इनका सीक्रेट राज जरूर कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा। देखो, तुम अगर कुछ ऐसा सोच के आए हो कि हमारे विलेज से कुछ चुरा के ले जा पाओगे तो मैं जाके पुलिस थाने में कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारे नाम की। ओ भाई, ये तो हमें ओपन चैलेंज दे रहा है। तो अभी मैं इसे सच करके दिखा भी दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। तो यार ये तो भूल गया कि जिस समय नोटबंदी हुआ था उस समय इसे ही मैं छुट्टा दिया था। अभी तुम लोग ये मत सोचना कि बस गेम टैग अपना बस ये एहसान जता रहा है विलेजर के साथ। मैं तो तुम सबको बता रहा हूँ यार। और यार यहाँ पे भी इन्होंने कुछ नहीं रखा है, लगता है ऊपर कुछ होगा जरूर। ऊपर मैं चलता हूँ अभी इस लेडर के थ्रू। है कुछ नहीं है यहाँ, अभी सिर्फ एक अच्छा खासा विलेज दिख रहा है इनका। सो अभी फ्रेंड्स, अभी मैं वहाँ से तो निकल लिया हूँ। यहाँ पे इन्होंने लावा रखा है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो अभी चेस्ट के अंदर, वाव, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, दिल खुश कर दिया। अभी मैं यहाँ से नेदर की स्वेट ले लेता हूँ और चलता हूँ दूसरी जगह। तो यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के पास। अभी मैं इनका सारा विलेज यार तलाश लिया, और एक कॉकरोच जो पिछली बार हमें मिला था, यही बस रूम बाकी है, देख लेता हूँ यहाँ भी कुछ है कि नहीं। लेकिन मैं आप सबको बता दूँ कि ये विलेजर सही में इतनी बड़ी बड़ी लूट रखते हैं ना, क्या बताऊँ। ओ भाई, इधर बेड के नीचे कुछ है, तोड़ना पड़ेगा इसे माइंड करूँ तो। ओ भाई, यहाँ पे तो इन्होंने स्काई फोल्डिंग लगा रखा है। नीचे चलो तो लगता है कुछ है अंदर, रोचा है। ओ यार, यहाँ पे तो इन्होंने अच्छा खासा बेसमेंट बना रखा है। तो यार इन्होंने इतना गंदा बेसमेंट बना रखा है, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो, डायमंड पोशन, नेदर स्वेट भी लगा रखा है आइटम फ्रेम में, चेस्ट पोशन, इलाइट्रा ट्राइडेंट, भाई सारी कूपिया चीजें यहीं पे इन्होंने छुपा रखी हैं। सो फ्रेंड्स, अभी एक एक चेस्ट को देखते। ओ यार, इतनी सारी स्वेट, वो भी स्वेट ही नहीं है, पिकेक्स होपर सब कुछ। अब ये वाले में, ओ यार इलाइट्रा कम है, ट्राइडेंट भी लेकिन है, पोशन वाले में डायमंड कम है लेकिन पोशन बहुत ज़्यादा है, चलेगा। अब ये वाले में, ये चलिए भाई, एमलेट्स के तो इन्होंने खेती कर रखी है। तो यार अगर ये सब तुम लोग को इतना सारा एक दिन में मिल जाएगा तो तुम सब क्या करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।